Oh, Shukriya. Last but not the least, Senator Sahab, Hasib Khan Sahab, Hasib Sahab, आप ये समझे जैसे आप सेनेट को खिताब कर रहे हैं, ये मसला है बल्कि आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात, हमारी छोटी मोटी मजलिस को छोड़े हैं आप, नहीं आपने जो है आप सेनेट को खिताब कर रहे हैं और ये मसला सेनेट के सामने है। बहुत शुक्रिया मेरी आपने हिम्मत अफजाई की, क्योंकि मैं तो अभी ये सोच रहा था कि एहतियात का तकाजा ये है कि मैं सिर्फ सुन लूँ आज, और अभी आखिर में ये कहूँ कि मेरी तो कोई तबीयत ठीक नहीं है और मैं चला जाऊँ, एहतियात का तकाजा ये है आप। लेकिन क्योंकि मुझे मुखातिब करके मुझे हिम्मत अफजाई है मेरी कि भाई आप सेनेट से खिताब कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वजहें भी हैं कि ये क्या क्यों हो रहा है और मेरे पास इसका सदबात भी है कि क्या करें, खाली बातचीत करते रहें या कुछ करें भी, तो मैं बताऊँगा आपको। और तो जो कुछ ख़राबी है मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो आपको सबको मालूम हो गई क्या भाई क्या हो रही है कि ये जराइम क्यों हो रहे हैं और इंसाफ क्या होता है और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। और अब आप खुद सोच लीजिए कि जब पार्लियामेंट गाली बन जाए, मुझे देखिए ना, अभी आपके सामने खुद भट्ट साहब ने भी मुझसे कहा है कि मेरे पास जो है वो पूरा गैंग है मेरे पास उसका सेनेट एज ए सेनेटर, तो ये हकीकत है, सही कहा है इन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट का जो वक़ार है वो सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनका ये औकात है कि मुझे ये सब बताते हुए कि कहीं पर भी अजनबी लोग हैं कि मैं सेनेटर हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। अब गाली है ये किस्म की, मेरे लिए मेरी तदलील होती है कि मैं कहता हूँ कि मैं सेनेटर हूँ। हम वहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए ये बता दूँ मैं आपको, उस वो क्यों का जवाब अगर आपने कर लिया और आपने समझ लिया कि हाँ वाकई यही है, तो मैं बड़े वसूक के साथ कह रहा हूँ, वो कहेंगे तो कसम भी खा लूँगा, कहेंगे कुरान भी उठा लूँगा, क्योंकि मेरे पैगंबर की एक हदीस है और वो बड़ी मुस्तनद है। उन्होंने फरमाया था कि मेरा उम्मती हर गुनाह करेगा। अब हर गुनाह का मतलब हो गया वो सब गुनाह आ गए बड़े बड़े, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा और किसी को धोखा नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स झूठ बोलता है और धोखा देता है वो पैगंबर का उम्मती नहीं है। अच्छा, पैगंबर का उम्मती नहीं है तो फिर तो उसका जहाज सीधा जहन्नुम में जाना है ना उसने। ये अब हदीस को सामने रखें और इस हदीस की रोशनी में मैं अब ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जी अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, 100% नाराज़ है, मुझे यकीन कामिल है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी का इजहार नहीं कर रहा है, खामोश है। उसने कहा तुम खुद ही भुगतोगे, जो करोगे वैसे ही भुगतोगे, जो तुम करोगे वैसे ही होगा, तो वही हो रहा है जो हम करते हैं उसका रिएक्शन हमारे सामने आता है। अल्लाह मियाँ बीच में कहीं ही नहीं, वो अल्लाह मदद करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा मदद, अल्लाह को मैं जानता भी नहीं हूँ। आप अपने दिलों के अंदर झांक के देखिएगा, कुरान घर में कितने लोग पढ़ते हैं, माँ बाप अपने कमरे के अंदर हैं, अपना बच्चा अपने कमरे के अंदर है, वो वहाँ टीवी पे लगा हुआ है, माँ बाप अपने टीवी पे लगे हुए हैं, वो सामने का है तो मोबाइल है तो उस पर खेल रहे हैं, सोफे पे चार आदमी बैठे हुए हैं, दो बच्चे बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तस्वीर खींची है मैंने, रमज़ान का वक्त लॉन के अंदर माँ बाप तीन बेटे और अजान होने वाली थी इफ्तार की और वो पाँचों मोबाइल पर खेल रहे थे, लानत है, जबकि वो दुआ मांगी जाती है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि कुरान के आपकी दूरी ने ये दिन दिखा दिया है, कितने लोग पढ़ते हैं कुरान वन्नास से लेके और अलिफ लाम से लेके वन्नास तक, कितने पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ा है से लेके वन्नास तक पढ़ा है, पर तर्जुमा कितने लोगों ने पढ़ा है, जितने लोगों ने पढ़ा है वो पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह को भी पहचानते हैं और ये पहचानते हैं। वरना अगर ये जो आपकी बात हो रही है
خرابی کی سب سے بڑی بنیاد جگہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں انصاف نہیں ہے, نہیں ہے. اور وہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ قرآن نے بھرا ہوا ہے انصاف 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 انصاف. پڑھ کے دیکھیں, عبادت کا ذکر ہی بہت کم ہے, صرف نمازیں, باقی سب عبادتیں نفلی ہیں. پیسے ہوں تو حج کرنا, پیسے ہوں تو ہمت ہو روزہ رکھنا, سب نفلی ہیں. خالی آپ کی ایک نماز ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے, کچھ واقعات ہیں نبیوں کے, باقی سارا اخلاقیات کے اوپر ہے. اس کے اندر یہ تک ہے کہ بھائی اگر آپ کو ہم کوئی اختیار دے دیں تو تم اس اختیار کو کس طرح استعمال کرو گے. ان کے الگ سزا ملے گی ان کو, یہ ایسے جائیں گے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے, اور ایسی ڈبکی لگے گی ان کی جہنم کے اندر. جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ اس اختیار کو صحیح استعمال نہیں کر رہے عوام کے لیے. ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے قرآن میں, اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے ایک ایک لفظ کا, میں نے قرآن کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے, میں نے ایک ایک لفظ اور سب کچھ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. تو بھائی یہ گندا جو معاشرہ ہے آپ کا, یہ گندا معاشرہ اگر یہ پاکیزہ اور ستھرا بنانا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑنا پڑے گا اور اس کی ہدایت پہ عمل کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو گراں گزرے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہوں. تمیز وہ سکھا رہا ہے آپ کو, رشتوں کی تمیز وہ سکھا رہا ہے, کھانے کے آداب وہ سکھا رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے آپ کو, ہر چیز قرآن بتا رہا ہے. اور بعد میں پھر آپ کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو کہ قرآن سے ٹکراتی ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا پیغمبر ایسا نہیں, وہ بات کرے گا ان لائن ٹو دی قرآنک ورژن. تو پاکیزہ ستھرا معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے بڑی آسان زبان میں, تاکہ تم ہدایت نصیحت تذکیر حاصل کرو. پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے تذکیر آئے گی؟ ہم اپنے آپ کو تبلیغ کیسے کریں گے؟ میں صرف ایک بات عرض کروں گا, کیونکہ اس میں سے میں بہت کچھ بول سکتا ہوں کہ سب سے پہلے صاحب جو ہم یہ ایک بات یہ مختلف نوعیت کے جو کرائم ہیں, کس کے بہت سے جو مختلف نوعیت کے کرائم ہو رہے ہیں, ان میں بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق غربت سے ہے. بالکل, ایک آدمی مجبوری کی وجہ سے چوری کرتا ہے. بالکل بالکل, یہ ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, دیکھیے دہشت گردی کرتا ہے. اب اس کی وجہ وہی ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, آپ سب کو صحیح فرمایا. اس کا یہ کوئی حل ہے ہی نہیں کہ جو کہ اس لیول پہ کیا جائے. یہ ہوتی ہے حکومت کی پالیسی, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ, آپ تو خیر قانون میں آپ نے رہا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ روٹی, چھت, تعلیم, یہ سب یہ بیسک ذمہ داری ہے, قانون ہے آپ کی, یہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ جو آپ کا قانون ہے اس پہ عمل کر لیجئے, آپ کی 90% آپ کے کرائم ختم ہو جائیں گے, کیونکہ پیٹ میں روٹی چاہیے. میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے, قسم خدا کی کہہ رہا ہوں میں, کہ اگر میرے 3 دن میں کا بھوکا رہوں گا, مجھے پتا ہے کہ 3 دن سے میرا ماں باپ میرے بھوکے ہیں, میرا بچہ بھی جو ہے وہ 1 روپے کا روٹی کھا رہا ہے, تو میں ضرور باہر نکلوں گا, جو پہلا آدمی ملے گا اسے پکڑ لوں گا. میں وہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہوگی, آصف خان نے کبھی یہ نہیں کیا, آصف خان تو ایسے آصف خان نہیں. میں اپنے بوڑھے باپ بوڑھا ماں کے لیے, اپنے بچے کے لیے میں فوراً پکڑوں گا اس آدمی کو, اور اس سے بدتمیزی نہیں کروں گا, اتنی پیسے لوں گا جب تک میں کھانا لے کے اپنے گھر چلا جاؤں گا. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا تعلق معیشت سے ہے. آپ اس وقت جو آپ ہے ان پارلیمنٹیرینس کی اور ان سیاستدانوں کی, جتنی ان لوگوں کی چوریاں اور ڈکیتیاں ہیں, اور اس نے آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ آج ہم یہ بات میں آج بھی کہہ سکتا. ابھی انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا ہے بٹ صاحب نے, کہ میں آپ یقین جانے کا میں معاشرے کا حصہ ہوں, 16 گھنٹے رہتا ہوں معاشرے میں, اور 2 گھنٹے گھر میں اور 6 گھنٹے سوتا ہوں, تو 16 گھنٹے رہتا ہوں معاشرے میں. کل بھی رہا تھا اور آج بھی میں 16 گھنٹے ہی رہوں گا.
तो इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, वसू के साथ कह रहा हूँ कि मईशत आपकी वहाँ पहुँच गई है। आज मैं अपनी फैक्ट्री में से, मुझे कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा है, अल्लाह ने मुझे ये दिया हुआ है, मैं अपनी फैक्ट्री से 2 महीने से मैंने प्रोडक्शन मैंने जो है वो 50% हो गई है। और अगर मैं 50% प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है तो इसमें मैं पूरी कर सकता हूँ 50% आदमी निकाल दूँ तो भी, क्योंकि जो बाकी रह गए 50% उनको थोड़ा सा ओवर टाइम करा लेंगे, जो काम उनका नहीं है उनसे वो दूसरे काम भी करवा देंगे। भाई ठीक है तुम अकाउंटेंट हो तो अकाउंटेंट काम कर लेना, लेकिन 5 से लेकर 8 बजे ये मशीन पे आ जाना प्लस्टर पे दवाओं को पैक करने के लिए और चलती रहेगी फैक्ट्री। तो मेरे 800 कंपनीज हैं निकाल देंगे, लाखों लोग रोड पर आ जाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, LC नहीं खुल सकती। शर्म की बात है, शर्मनाक बात यह है कि स्टेट बैंक ने बेगैरत ने तो बनाया गया, उसने ये कहा हुआ है तमाम नेशनल बैंक को नहीं, ये नहीं कहा नेशनल बैंक ने नहीं कहा है, फॉरेन बैंक को भी कहा हुआ है कि आपने कोई LC नहीं खोलनी, आपने LC खोलनी है उतनी अमाउंट की खोल सकते हैं जितने के पास आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड आए हो, अगर $100 आए तो आप $100 तक LC खोल सकते हैं। लेकिन भाई मैंने $200 से LC खोलनी है, तुम्हें मैं दवाएं बनानी है, दवाएं नहीं बनाऊंगा साला ऑपरेशन नहीं होंगे, बेहोश नहीं होगा, I am the only one जो दवा बनाता है बेहोशी की और होश में लाता है। पाकिस्तान के अंदर 800 कंपनी ने इम्पोर्ट भी नहीं होती है, तो अगर वो दवा आज भाई शार्ट हो जाएगी तो ऑपरेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है क्या कि किस वक्त किसको जरूरत पड़ सकती है, तो हम बेहोश करने की नहीं है तो फिर तो सज्जन कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मैं 200 की LC नहीं खोल सकता, क्यों? उसकी एक्सपोर्ट प्रोसीड $100 आई थी, वो कहता जी आधी खोलो, अब आते से क्या होगा। अब ये हालात है, इसलिए मैं आपसे आस कर रहा हूँ कि जी वक्त आ गया है कि हम में से हर आदमी को अब जाने का वक्त आ गया है। पता नहीं अभी भी टाइम गुजर गया, असर का मैं समझता था आज शायद क़यामत आ जाएगी, चले आज का दिन गुजर गया, मिल गया एक दिन और आपको, इंशाल्लाह कल आएगी असर मगरिब के दरमियान में, कल नहीं आए तो परसों तो आई जाएगी, अब यकीन आ गया मुझे हम इतने गिर चुके हैं। मैं मार्शल का हिस्सा हूँ, मैं मईशत में क्या का हिस्सा हूँ, मजदूर मेरा तो फैक्ट्री के अंदर जब आता है तो उससे मैं 10 मिनट पहले आता हूँ, और मजदूर जब चले आता है तो मैं 10 मिनट बाद में जाता हूँ। ये मैं बैठ के थोड़ी अखबार पढ़ के टी पढ़ के आके बैठ के बातें कर रहा हूँ, मैं तो ज़मीन पे बात कर रहा हूँ बैठ कर, जहाँ मैं ये काम करता हूँ वहाँ मैं देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लड शेड देख रहा हूँ आपका, अब आपका मैं रोड के ऊपर मैं आपसे यकीन से कह रहा हूँ और मैं इसको साबित कर दूँगा, लेकिन उसके लिए आपका टाइम नहीं है, कि ये मैं ब्लड को बहता हुआ देख रहा हूँ। घर में रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा, आप जो है रोटी खाने भाई बाहर जाओगे कुछ लेके आने के लिए तो बाहर निकलोगे कैसे, ये तो नहीं कि गाड़ी में बैठू जा रहे हैं उसने किसी ने आके आपने वो दिखाया छीना भाग गया, ये बड़ी पुरानी बात है, अब नहीं। इसलिए भाई मैं रिपीट करूँगा कि प्लीज़ पूरे मुल्क में ये बड़े बड़े अस्पताल लगा दें कि खुदा के वास्ते अल्लाह को अगर राज़ी करना है तो उसके साथ रिश्ता जोड़ लो। उसका रिश्ता जोड़ने के लिए आपको कुरान अली इस्लाम से जमना तक उर्दू में पढ़ना पड़ेगा या इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, खाली अदबी की तलावत से आपको सवाब नहीं चाहिए, आपको ये 2 काम कर लिए तो आपकी फिर उस पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। आप तस्की नज़ीर हिदायत की रोशनी के अंदर आपको यार मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या किया क्या है, मैं तो ऐसा इसको यूँ कर लेता यूँ हो जाता, कोई नुकसान भी नहीं होता, हर चीज़ सामने आपकी आ जाएगी, एक पाकिजा मार्शल बन जाएगा, उतनी बेहतरी होगी। उतनी उनको पढ़ाइए जो कुरान का जब तक नहीं पढ़े तो उसको पहले पढ़ाइए, फिर उसको इख्तियार दीजिए। जज बन के बैठ जाते हैं, जजों ने क्या किया है दुनिया उनके मुताबिक बात करती है, आप कैसे खोलने, जब अभी एक डिस्कस भी हुआ एक जगह छूट गया दूसरी जगह अंदर हो गया, यहाँ से यहाँ अंदर हो गया था वहाँ छूट गया, और सब बैठे हुए लिए हुए $2,000 अरब 2500 अरब डॉलर और हम 900 और 1500 1300 डॉलर को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कि किसी वजह से जो आज की पोजीशन है वो ये है कि किसी तरीके से वो $900 मिल जाए IMF से तो फिर इमीडिएटली वो चार हमारे दोस्त हैं
दुबई और सब या सऊदी अरब और चाइना, ये हमको 200-300 मिला के ये $500 इनके मिल जाएंगे, तो 900 वो दे देंगे तो हमारे पास 1400 हो जाएंगे, तो हमारे हम सांस लेने के काबिल हो जाएंगे। बट एट वॉट कॉस्ट? अमेरिका ने जो प्लानिंग करके आपको करके यहाँ ला के भेज दिया कि आप आपको 900 दे रहा है, तो IMF अमेरिका, अब वो जब आपको 900 देगा तो क्या ऐसे ही दे देगा? या उसने इतना टाइम लगाया हुआ है, पूरा 1.5 महीने जो गेम खेला है उसमें हमारे पाकिस्तान भाई शामिल है। एक साधादान खुद करके आए थे, सेखादान क्या हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, वो अमेरिका जाके कह के आया था, क्योंकि सेंक्शन लग गई थी और उसने सऊदी अरब ने कहा था भाई यार सेंक्शन लग गई है, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, हम तुमको पेट्रोल जो है वो डेफर्ड पेमेंट दे देंगे, पेमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं 2 साल की बाद। अच्छा, और उसने जाके ये बात जाके कह दी फौरन अमेरिका में जाके उनके अपने अपने बाप को कि जी ये जो ये सऊदी अरब ये फैसला करा, तो भाई फिर ये फिर माशा क्या है, फिर ऐसे ही होगा। शुक्रिया।